अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बदेल मौजूद रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि समाज के गरीब तबके तक योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। विकसित भारत संकल्प की जो यात्रा आगे पधारे मंच की ओर देश भर में चल रही है, जिसके द्वारा गरीब लोग, जिनके लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की हैं, वह लाभार्थियों तक पहुंची हैं और लगातार लाभार्थियों तक पहुंचे उनका सपना है। इसलिए आज उन्होंने कई राज्यों के निवेदन करूंगा लाभार्थियों से चर्चा भी की है और उस आधार पर लगा कि यह जो गरीबी स्तर से ऊंचा उठाने का जो योजना है, पहले की वो योजनाएं बनती थी और वह कई बार कागजों पर रह जाती थी, आज जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ पहुंचा रही है। परिवार का जो केंद्र है वो महिला है ना, महिला को यदि सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो महिला को ही होती है। यदि घर नहीं है, यदि जल नहीं है, यदि धुएं में खाना बनाना है तो महिला को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए माननीय मोदी जी ने महिला को केंद्र में रख करके जितनी योजना बनाई है वो महिलाओं को ही केंद्र में रखकर बनाई है, तो निश्चित रूप से उनका लाभ महिलाओं को मिलना ही है। देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भी महिला को ही मालिक बनाया गया है। जल का कनेक्शन है तो वो भी महिला के नाम से ही है। आपको यदि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो महिला मुखिया के नाम से वो कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान भारत योजना में उसका लाभ है। और अभी जिस योजना का माननीय मोदी जी ने जिक्र किया कि पूरे देश भर में 15,000 ऐसी बहनों को छांटा गया है जिनको ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से वो खेती करेंगी।